झारखंड के सियासी संकट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। हिमाचल प्रदेश दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, झारखंड के विधायक रायपुर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हार्श ट्रेंडिंग कर रही है, पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि चुनाव आयोग ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन ने अभी तक चुनाव आयोग की चिट्ठी नहीं खोली है, यानी कुछ योजना बनाई जा रही है। इसका मतलब है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है। ऐसी स्थिति में विधायकों की सुरक्षा के लिए वो छत्तीसगढ़ में आए हैं, यहाँ रिसोर्ट में हैं। खबरों के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रायपुर आएंगे। इससे पहले राजनीतिक संकट के बीच सत्ता बचाने के लिए झारखंड की सरकार छत्तीसगढ़ की शरण में है। तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए वहां से सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के 32 विधायकों को मंगलवार की शाम को रायपुर लाया गया है। विशेष विमान से यहां लाए गए सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच 3 बसों में बैठाकर विमानतल से सीधे नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिजॉर्ट ले जाया गया। पार्टी सूत्रों के अनुसार रिजॉर्ट में अभी उनके 2 दिन तक रुकने की व्यवस्था की गई है। झारखंड की स्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के अनुसार विधायकों के साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और संतोष पांडे भी यहां आए हैं। जिस रिजॉर्ट में झारखंड से आए विधायकों को ठहराया गया है, वहां उनके पहुंचने से कुछ समय पहले विदेशी शराब से भरी गाड़ी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया है। भाजपा ने शराब से भरी गाड़ी का वीडियो इंटरनेट मीडिया में साझा करके सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भगोड़े विधायकों को छत्तीसगढ़ लाकर अय्याशी करवाया जा रहा है, सरकारी गाड़ी में शराब को होटल में पहुंचाया जा रहा है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने ट्वीट किया है कि सरकारी गाड़ियों में विदेशी शराब पहुंचाकर झारखंड के विधायकों का इंतजाम कराने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। चुटकी लेने में प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मड़त भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्ता के नशे में मदहोश भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों को मदहोश करने की व्यवस्था कर दी है। दरअसल भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक टिप्पणी आई थी। इसमें मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जामवाल ने सभी को जाम पिलाकर मस्त कर दिया है। मूर्त की इस टिप्पणी को मुख्यमंत्री बघेल के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इंतजाम अली हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं। कांग्रेस के एटीएम अपने मालिक के हुक्म पर बाहरी विधायकों की सेवा में जुट गए हैं। असम के विधायकों के बाद अब झारखंड के विधायकों के लिए शराब की नदियां बहाने का इंतजाम किया गया है। भाजपा की ओर से जारी वीडियो में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर रिजॉर्ट के सामने वीडियो नहीं बनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। जिस गाड़ी में शराब लाई गई थी उसके आगे आबकारी पुलिस का बोर्ड लगा हुआ था। इस मामले को लेकर जब कुजूर ने उनके मोबाइल संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्श ट्रेडिंग कर रही है और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए उनको स्वागत है। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे, उस समय बोलना था। लेकिन हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है।